हेलो बच्चों, आज हम जिस अध्याय की चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है सामाजिक भेदभाव। तो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन बातों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम सामाजिक भेदभाव, रूढ़िवादी धारणा और लड़का एवं लड़की के बीच अंतर पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सामाजिक भेदभाव से। बच्चों, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे जो समाज में या हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और इन सभी लोगों का खान पान, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, धर्म, उपासना सब कुछ अलग अलग होता है और यही हमारी विविधता है और भारत इसी के लिए प्रसिद्ध भी है। लेकिन बच्चों, अगर हम इसको आधार मान के लोग और समुदाय के बीच श्रेष्ठ और निम्न होने का अंतर करने लगे तो ये भेदभाव का रूप ले लेती है, जिसको हम सामाजिक भेदभाव भी कहते हैं। बच्चों, आपने ये जरूर अनुभव किया होगा कि आप जिस समाज में रहते हो उस समाज में बहुत सारे भेदभाव आपको देखने को मिल जाती होंगी। तो बच्चों, इस अध्याय में हम उन्हीं भेदभावों पे चर्चा करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसे कैसे मिटाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सामाजिक भेदभाव एवं पूर्वाग्रह से। ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, ग्रामीण लोगों के बारे में और शहरी लोगों के बारे में। कृपया करके आप इन प्रश्नों का एक बार अध्ययन करें। जैसे कि गांव के लोगों में पिछड़ापन होता है, शहर की अपेक्षा ग्रामीण अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं होते हैं। आप इन प्रश्नों का अध्ययन करें और जो आपको सही लगता है उसमें टिक मार्क करें या अपने दिमाग में ये तय कर ले कि हाँ, ये बात सही लिखी हुई है। तो बच्चों देखिए, आपने जो भी टिक मार्क किया या जो भी निर्णय निकाला वो क्या है, वो आपका पूर्वाग्रह है, मतलब वो आपका पूर्वाग्रह कहलाएगा। ये जो पूर्वाग्रह है बच्चों, ये सामाजिक स्तर पे पाया जाता है। इनफैक्ट जो भेदभाव भी है वो भी सामाजिक स्तर पे पाया जाता है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि पूर्वाग्रह आखिर होता क्या है। तो अगर हम पूर्वाग्रह को परिभाषित करने की कोशिश करें तो पूर्वाग्रह का अर्थ है पूर्व निर्णय, अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही उसके लिए नकारात्मक राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये क्वेश्चन पढ़िए और जो आपको सही लगे उसमें टिक लगाइए। तो बहुत सारे बच्चों ने लगाया होगा कि शहरी जीवन बड़ा आरामदेह होता है, शहर के लोग आलसी होते हैं, ग्रामीण जो है शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। पर बच्चों, कभी आपने सोचा है कि आप जो ये निर्णय लिए हो क्या इसका कोई बेस है? क्या आपको पता है कि सच्चाई क्या है, या फिर क्या आपने जानने की कोशिश की कि जो निर्णय आप ले रहे हो वो सही है या गलत है? इसका कोई तथ्य है आपके पास? नहीं, मतलब आपने बस निर्णय ले लिया। तो इसी को कहते हैं हम पूर्वाग्रह। क्या होता है बच्चों कि जब भी हम किसी भिन्न व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है तो उस स्थिति में हमें थोड़ा अजीब लगता है, हम उनके पास जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग उन्हें चिढ़ाने भी लगते हैं और उनके प्रति नकारात्मक राय बना लेते हैं जो कि गलत है, और इसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा सामाजिक भेदभाव पे जारी रखते हैं और अब हम अपनी चर्चा करेंगे सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह पे। बच्चों, जब भी ये पूर्वाग्रह बढ़ती है
मतलब किसी के प्रति हमारे दिल में अगर नकारात्मक सोच बढ़ती है तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में हम लोगों के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। और कभी कभी हमारे अंदर ये पूर्वाग्रह इतनी बढ़ जाती है कि हम उन्हें उनके अधिकारों से भी वंचित कर देते हैं। चलिए हम ये जो पूर्वाग्रह है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें अमीर, मध्य वर्गीय और गरीब, ये तीन लोग हैं, ठीक है। ये तीन स्तर के लोग हैं और तीनों एक ही काम कर रहे हैं, वो है शराब पी रहे हैं। मतलब जब अमीर शराब पी रहा है तो उसे क्या कहा जा रहा है, एल्कोहलिक। जब मध्य वर्गीय शराब पी रहा है तो उसे शराबी, और जब गरीब शराब पीता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, बेवड़ा। मतलब तीन वर्ग के लोग एक जैसा ही काम कर रहे हैं, पर हमारी जो सोच है उन तीनों के लिए अलग-अलग है। हम गरीब को नकारात्मक सोच से देख रहे हैं, वहीं पे अमीर को जो है उसको हम उसका यह शान बता रहे हैं। बच्चों क्या होता है कि जैसा कि अभी हम बताएं कि ये पूर्वाग्रह जब बढ़ता है तो हम लोगों के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। मतलब जैसे गांव में क्या होता है, इनफैक्ट अभी भी होता है कि जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं वो हम उन्हें सोचते हैं कि नहीं ये तो गंदे हैं, ये हमारे आसपास रहने के लायक नहीं है। यहाँ तक कि गांव के कुएं से उन्हें पानी भरने के लिए मना भी कर दिया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नकारात्मक सोच जो हम उनके प्रति बना लिए हैं उसके कारण होता है। उसी तरह जो गांव का दलित बच्चा होता है, हालांकि ये बहुत अब ज्यादा स्तर पे नहीं होता, फिर भी देखने को मिलता है गांव के दलित बच्चे को जो और बच्चे हैं सामान्य बच्चे हैं उनसे दूर बैठाया जाता है। क्यों? दलितों को माना जाता है कि वो गंदे काम करते हैं, कचरा साफ करते हैं, वो शौचालय साफ करते हैं, और यही सोच बना के कि ये गंदा है हम उसके करीब बैठने से कतराते हैं। ये क्या हुआ, नकारात्मक पूर्वाग्रह। मतलब पूर्वाग्रह पूरी तरह से आपको नकारात्मक सोच में ढाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा सामाजिक भेदभाव पे जारी रखते हैं। बच्चों अब हम चर्चा करेंगे पूर्वाग्रह के स्वरूप पे, अर्थात पूर्वाग्रह के प्रकार पे। तो सबसे पहला इसका प्रकार है या स्वरूप है भाषाई भेदभाव। होता क्या है कि एक भाषा बोलने वाले लोग दूसरे भाषा को अजीब ढंग से देखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, भारत में हिंदू मुख्यतः हिंदी बोलते हैं और मुस्लिम उर्दू बोलते हैं। चूंकि हिंदुओं को उर्दू नहीं आती इसलिए उनको ये भाषा उटपटांग लगता है, या उन्हें लगता है कि ये भाषा कितना टेढ़ा है, और इस बेसिस पे वो भाषाई भेदभाव करते हैं या उस भाषा का मजाक उड़ाते हैं। हमारा पूर्वाग्रह का दूसरा स्वरूप है बच्चों धर्म पे आधारित भेदभाव। भारत में एक धर्म हमेशा ही दूसरे धर्म को नीचा दिखलाने की कोशिश करता है। जैसे कि हिंदू धर्म समझता है कि मुस्लिम गाय खाते हैं, वो कितने गंदे हैं। उसी तरह से मुस्लिम धर्म हमेशा हिंदुओं की कटाक्ष करते रहते हैं। इसी प्रकार और धर्म जो है, जैसे सिख धर्म को बहुत चालाक समझा जाता है, वही ईसाई धर्म को कट्टर माना जाता है। तो ये सब क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ पूर्वाग्रह, बिना जाने सोचे किसी के प्रति एक नकारात्मक सोच जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो पूर्वाग्रह का दूसरा स्वरूप जो है वो है आपके जाति के आधार पे भेदभाव। हमारे समाज में जाति के आधार पे भी बहुत भेदभाव होता है। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को नौकर समझते हैं या समझते हैं कि ये छोटा काम करने के ही योग्य हैं, और वहीं पे जो निम्न जाति के लोग हैं वो उच्च जाति के लोगों को तानाशाह समझते हैं। चलिए पूर्वाग्रह का दूसरा स्वरूप है लैंगिक भेदभाव। बच्चों जैसा कि आप जानते होंगे हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव अर्थात लड़का और लड़कियों के बीच में बहुत अंतर देखा जाता है। जहां
हम ये समझते हैं कि लड़के जो हैं वो शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, अर्थात जितने मजबूती वाले काम होते हैं, श्रम वाले काम होते हैं, वो लड़के कर सकते हैं, और लड़कियां जो हैं वो शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, तो जो घर गृहस्थी का काम है वो सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। जबकि आप सोच के देखो तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए, पूर्वाग्रह का अगला स्वरूप है शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव। जैसे कि आप देखते हो, इस चित्र को ही देख के आप समझ लो, क्या आपको ये चित्र देखना अच्छा लग रहा है? आप में से कम 50% लोग बच्चे होंगे जो कहेंगे नहीं। तो आप सोचो, जब वास्तविक रूप से आप ये देखते हो तो उसके प्रति आपकी कैसी सोच होती होगी? जबकि ऐसा नहीं है, शारीरिक बनावट के आधार पे भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भले ही वो शारीरिक रूप से हमारे जैसे पूर्ण हो ना हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मानसिक रूप से भी हमारे जैसे नहीं होंगे। उनको कभी भी कम आकलन नहीं करना चाहिए। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे रूढ़िवादी धारणा पे। चलिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रूढ़िवादी होता क्या है। बच्चों, किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रति एक निश्चित छवि या धारणा बनाना ही रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहता है। एक धारणा जो हमारे दिल में या हमारे पूर्वजों ने कह दी, हम उसको फॉलो करते हैं, उसे ही हम रूढ़िवादी कहते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने कहा कि मोची का जो बेटा होगा वो मोची ही होगा, और हमारे दिमाग में यही बात सेट है। कहां तक ये सही है आप ही सोचो। उसी प्रकार जैसे कि बोलते हैं कि जो अपराधी होते हैं उनका एक अलग ही समुदाय होता है, उनका एक अलग ही समूह होता है। जबकि बच्चों, अपराधी और अपराध का ना कोई धर्म होता है और ना ही कोई समुदाय होता है। उसी प्रकार पढ़ना लिखना सिर्फ उच्च वर्ग को लोगों को शोभा देता है, अर्थात जो दलित होते हैं उन्हें पढ़ाई से वंचित रखना चाहिए। ये पहले के जमाना में होता था, पर आज अगर ये सोच हम रखते हैं तो हम गलत हैं। उसी प्रकार रूढ़िवादी सोच ये भी है कि जो हमारे ऑफिस में या हमारे नीचे जो काम करते हैं हम उनको दबाकर चले, क्योंकि वो छोटे जाति की हैं, वो छोटा काम करते हैं, वो छोटे जाति के हैं, या इसलिए वो हर तरह से हमसे छोटा होंगे। ये क्या होता है? ये रूढ़िवादी धारणा है, जो कि आप सब जानते हो कि गलत है। काम काम होता है, हर कोई काम अपनी आजीविका चलाने के लिए करता है, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं लड़का एवं लड़की के बीच अंतर। हमारे समाज में जो है पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणा के कारण लड़के और लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। जैसे कि आप इन चित्रों में देखिए, आपको क्या देखने को मिल रहा है? इन चित्रों में लड़कियां जो है वो घर का कार्य कर रही हैं और लड़के सिर्फ बाहर का कार्य और आराम। अर्थात हमारा समाज क्या कहता है कि औरतें घर के काम करने के लिए बनी हैं, उसे और मर्द जो है वो बाहर का काम। लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए और लड़कों को ज्यादा। ये हमारे समाज की धारणा है, और ये धारणा का बेस क्या है, आधार क्या है? सिर्फ पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता। उसी प्रकार कहा जाता है कि लड़की गुड्डी गुड़िया से खेलते हैं और लड़के जो है वो बैट बॉल। किसी कोई अगर घर में लड़का अगर गुड़िया से खेल रहा हो तो उसे मना करते हैं, बोलते हैं लड़की हो क्या? ये क्या है? रूढ़िवादिता। उसी प्रकार अगर कोई लड़का लंबे बाल रख लेता है या लड़की छोटे बाल, तो उसका हम उपहास बनाते हैं। मतलब किस वजह से? क्योंकि ये पहले ही हमारे माइंड में सेट होता है कि लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए और लड़कियों के बाल लंबे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सामाजिक भेदभाव, रूढ़िवादी धारणा और लड़का एवं लड़की के बीच अंतर पे चर्चा की। इसका रेफरेंस है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे जातीय भेदभाव, शारीरिक बनावट के आधार पे भेदभाव और समानता के लिए आंदोलन पे। तब तक के लिए धन्यवाद।